हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज बुधवार का दिन है और आज बहुत ठंड है यहाँ पर। टेम्परेचर लगभग 6 डिग्री 7 डिग्री के आसपास है आरा में। और हम लोग आज आए हुए हैं आरा का एक फेमस नया दुकान खुला है जेनको स्वीट्स जेल रोड में, यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। और आपको भी दिखाएंगे यहाँ पर कितना बढ़िया खास्ता कचौड़ी, पूड़ी, जलेबी, मिठाई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं जेनको स्वीट्स का कचौड़ी, जलेबी और मिठाई, बहुत सारी चीज़ें। तो अमन द फूडी चैनल में अंत तक बने रहें, आरा का बेहतरीन फूड चैनल। और वीडियो को अंत तक देखिए गाइस, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका अपना बिहार का चैनल अमन द फूडी। हेलो एवरीवन, देखिए ये है मिठाई का दुकान जेनको स्वीट्स, जहाँ पे खास्ता कचौड़ी, ये देखिए कहाँ पर जेनको स्वीट्स, शुद्ध देसी घी एवं मिठाई एवं कन्फेक्शनरी के विक्रेता, जेल के सामने, जेल रोड आरा। तो ये काफ़ी फेमस दुकान है, नया नया खुला है, बहुत कम समय में अच्छा खासा इन्होंने कस्टमर को बटोर लिया है। तो आइए आज हम लोग भी यहाँ पर आए हैं नाश्ता करने के लिए, और आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर कचौड़ी, जलेबी, मिठाई बेचा जाता है, क्या प्राइस है, किस किस तरह का मिठाई है, सब कुछ आपको दिखाएंगे डिटेल में। तो भैया से बात भी करेंगे, इनके यहाँ के ओनर से, कि कैसा क्या रिस्पॉन्स है कस्टमर का। तो देखिए यहाँ पे कचौड़ी बेला जा रहा है। हाँ जी, क्या कहना है, अब देखिए कचौड़ी को तेल में एकदम गर्मा गर्म तलते हैं सुबह सुबह हम लोग आए हुए हैं गाइस। अभी कुछ देर पहले दुकान खुला है और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं ताकि आपको फ्रेश चीज़ दिखा सके। देखिए किस तरीके से गर्मा गर्म कचौड़ी तला जा रहा है। कितने बजे सुबह से स्टार्ट कर देते हैं भैया? 9 बजे। क्या नाम हुआ आपका? बोला जी। और तब 9 बजे शुरू कर रहे थे, 9 बजे से। और आज तो ज़्यादा सुबह सुबह हो गया। अभी तेल रिफाइंड यूज़ करते हैं, कौन सा रिफाइंड है भैया, कौन सा रिफाइंड यूज़ करते हैं? हाँ, सनफ्लावर रिफाइंड यूज़ करते हैं ये। तो ये देखिए कितना बढ़िया इनका कचौड़ी गर्मा गर्म निकला। अभी दुकान के अंदर जाएंगे और दिखाएंगे कैसे कैसे अभी ये और भी कचौड़ी और मिठाई इन्होंने बेचते हैं। तो भैया थोड़ा जलेबी बनाइए हम लोग के लिए, दिखाइए जलेबी बना के। ये देखिए भैया, तो हम लोग दुकान के ओनर से भी बात करेंगे और ये बताएंगे कैसा रिस्पॉन्स है। नमस्ते भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये है दुकान के ओनर भैया, गुड नेम क्या हुआ? विशाल जैन। विशाल जैन जी, विशाल जी कैसा रिस्पॉन्स है यहाँ पे कस्टमर का? कस्टमर तो अभी ठंड को लेके कुछ बड़ा लेट सवेरे उठ रहे हैं, नाश्ता का रिस्पॉन्स तो कुछ कम है। कुछ कोरोना गाइडलाइन भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गाइडलाइन से भी दिक्कत है, आदमी कुछ घर से कम निकल रहे हैं, देहात से भी आदमी कुछ कम आ रहे हैं विलेज से। अच्छा, बहुत थोड़ा दुकानदारी का असर ठंड को भी लेकर। अच्छा अच्छा, तो देखिए दुकानदारी पर असर पड़ रहा है ठंड और कोरोना के वजह से। तो आगे हम आपको दिखाएंगे, ये हम लोग से रूबरू कराएंगे सारे मिठाई उठाई से। भैया कौन सा लड्डू है? बेसन के लड्डू है। कैसे किलो मिलते हैं? 240 रुपये किलो है गाइस। और ये हो गए आपको मोतीचूर के लड्डू, और ये हो गए गोंद का लड्डू, और ये मामा पेड़ा काजू बर्फी। कैसे किलो है काजू बर्फी? 800 रुपये किलो है। और ये हो गया आपको प्लेन बर्फी है। तो गाइस ये देखिए भैया, ये कौन सा पेड़ा है? खोआ पेड़ा है। और ये कचौड़ी बर्फी हो गया। और ये कौन सा भैया? बटीसा। बटीसा क्या होता है भैया? ये आपको बेसन का बटीसा बता दीजिए, घी में। घी में। और ये क्या है? रूबी बटीसा, दूध का बटीसा। और ये देखिए गाजर का हलवा मिलेगा इनको आपको यहाँ पे। और आपको यहाँ पर मिठाई बहुत सारा है, आप देख सकते हैं पूरा रेंज है भैया मिठाई का, नए नए मिठाई का। और आप देख सकते हैं नीचे वाइट रसगुल्ला, काला रसगुल्ला और राजभोग भी अवेलेबल है। तो अमेजिंग गाइस, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं नमकीन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पैसा ले
आइए यहाँ के कस्टमर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा यहाँ का रिस्पांस है। लोग खा रहे हैं तो उनसे भी बात करके जानेंगे कैसा टेस्ट है, कैसा यहाँ का जायका है। आप देख सकते हैं कस्टमर का भीड़ लगा हुआ है गाइस यहाँ खाने के लिए। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार भैया, कैसा है यहाँ का नाश्ता? ठीक है और टेस्ट उस्ट सब ठीक है। आप कब से खा रहे हैं यहाँ? बहुत मस्त, आज तो खाया पहली बार। आज पहली बार कैसा टेस्ट है? ठीक है, बहुत ठीक है। नया नया खुला है यहाँ पर, तो कैसा रिस्पॉन्स है? मतलब आराम है, ये यहाँ का नाश्ता और कचौड़ी से बढ़िया है। खेरा में जो मिलता है देवी स्थान में, वहाँ से बढ़िया है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और प्राइस मतलब कि हर कोई सब ठीक है, सब हर कोई गरीब आदमी हर कोई खा सकता है। नमस्कार भैया, कैसा लग रहा है टेस्ट आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। और रिफाइंड जो भैया यूज कर रहे हैं, कैसा आपको रिफाइंड लग रहा है? बढ़िया है, एकदम मस्त है। ऐसा तो नहीं कल की रात का यूज कर रहे हैं? ना, ताजा लग रहा है, ताजा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कस्टमर का फीडबैक बहुत बढ़िया है और कचौड़ी बहुत ही खास्ता है। और हम भी आपको टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके आपको बताएंगे यहाँ का कचौड़ी कैसा है। तो बहुत ही शानदार जेनको स्वीट्स जेल रोड में है, जेल के सामने, जेल रोड में जेनको स्वीट्स खुला हुआ है और बहुत शानदार है। एक बार मैं आपको फिर से होर्डिंग दिखाता हूँ उनका। ये देखिए गाइस, यही है जेनको स्वीट्स। शुद्ध देसी घी की मिठाई एवं कन्फेक्शनरी की विक्रेता, मतलब केक वेक भी बेचते हैं। और ये देखिए गजब का जिले कचौड़ी छान रहे हैं गाइस, मजा आ रहा है देखिए। तो आप देख सकते हैं जेनको स्वीट्स का गर्मा गर्म जलेबी जिस तरीके से छाना जाता है, ये देखिए इन्होंने बैटर ये तैयार कर रखे हैं इन्होंने। ये भैया किस चीज़ का बैटर होता है? ये जो पेस्ट किस चीज़ का होता है? मैदा का, मैदा का पेस्ट होता है गाइस। और इसको देखिए किस तरीके से जलेबी का शेप देंगे। गर्मा गर्म जलेबी गाइस, मिर्ची भी बना रहे हैं गाइस ये। आपके सामने अभी गर्मा गर्म हम लोग जलेबी टेस्ट भी करेंगे, उसका जायका भी बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे गाइस, अमन द फूडी चैनल सबसे शानदार, जानदार और सबसे प्यारा वीडियो ये चैनल है आपका। जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अंत तक देखिए गाइस। ये है गर्मा गर्म जलेबी जेनको स्वीट्स जेल रोड, जेनको स्वीट्स जेल रोड में आपको आना है, सुबह सुबह गर्मा गर्म नाश्ता करना है और गर्मा गर्म जलेबी आपको मिलेगा। देखिए हम लोग खाने आए हैं अमन द फूडी यूट्यूब चैनल। तो गाइस ये जलेबी हो चुका है, अब हम लोग इसको चाशनी में डाल रहे हैं। हेलो गाइस, तो आज हम लोग का नाश्ता निकल चुका है। तो गाइस कचौड़ी नाश्ता हम लोग का निकल चुका है, शानदार नाश्ता जेनको स्वीट्स में। और अभी हम आपको जेनको स्वीट्स जो जेल रोड में स्थित है, जेल के सामने, वहाँ का गर्मा गर्म कचौड़ी, सब्जी और चाय जो कि सामने मिलता है यहाँ, मंगवा के पी सकते हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता अभी मैं करने जा रहा हूँ, इसका नाश्ता आपको, इसका टेस्ट आपको बताऊंगा। सो गाइस ये देखिए गर्मा गर्म कचौड़ी इस तरीके से गया सब्जी में। अब ये देखिए बाइट, एक बाइट और लेते हैं। गाइस ये देखिए बाइट, क्या गर्मा गर्म बाइट है। अब ये देखिए जैसे मुंह में आया, डिलीशियस। टेस्ट बहुत अच्छा है, तीखा एकदम नहीं है, तेल वाला ज़्यादा जो सब्जी रहता है वैसा नहीं लग रहा है। हमारे यहाँ जो गार्ज परोजन में जो सब्जी बनता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही सब्जी लग रहा है। कचौड़ी बहुत खास्ता है, जो ये कचौड़ी है बहुत ही खास्ता है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब गर्मा गर्म
चाय भी इसके साथ उसकी ले सकते हैं। वाह, तो गाइस मजा आ गया और कमाल का नाश्ता है गाइस, मजा आ गया। मैं आपको बताऊंगा कि जेल रोड में जेनको स्वीट्स, आप यहां पर आके नाश्ता करें सुबह सुबह 8:30 के बाद स्टार्ट हो जाता है। और इसका प्राइस भी आपको बताएंगे भैया, कितना प्राइस है? 5 रुपये पीस है, बहुत कम दाम का है। आप यहाँ पे आके पेट भर के खाएं और हेल्दी भी है, क्योंकि देखिए ज़्यादा लाल मिर्च नहीं है और ज़्यादा तेल मसाला नहीं है। तो जो आप आराम में किसी रेडी पे नाश्ता करते हैं और जो कि अनहाइजीनिक है, उससे बेटर आप यहाँ पर आके नाश्ता करें, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके एक बार नाश्ता करें। जेनको स्वीट्स जेल रोड में स्थित है आरा, बहुत ही शानदार नया दुकान खुला है, बहुत ही बढ़िया दुकान है। 18 साल पुराना है लेकिन अभी नया नया खुला है। पहले कहाँ था भैया? बताइए भैया, क्या कहाँ का था पहले दुकान? ये जस्ट इसके दो दुकान बगल में, अभी रेडियो के सामने। तो अभी यहाँ क्यों खुलना, वो क्यों बंद हो गया? जमीन बिक गया, दुकान खाली करना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरे साथ संतोष भी अभी आए हुए हैं जो कि नाश्ता करने के लिए, ये भी एक टेस्ट करेंगे। टेस्ट करिए संतोष जी, कैसा लग रहा है बताइए? कैसा स्वाद है? स्वाद बहुत मस्त है। हाँ हाँ, यहाँ आप लोग आके खाइए, टेस्टी भी है। एक बार यहाँ का एड्रेस बता दीजिए, नाम बता दीजिए। जेनको स्वीट्स जेल रोड, यहाँ आइए, बढ़िया सा नाश्ता मिल रहा है और बढ़िया सा कीजिए। अब बहुत कम रंग का है, बहुत बढ़िया भी है। बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब स्वास्थ्य। गोभी आलू की सब्जी खाई? आलू गोभी मटर चना। एक ही हो। ये देखिए गर्मा गर्म कचौड़ी है, देखिए कितना खास्ता है। कितना खास्ता है गाइस, देखो सब्जी में डुबो के खाया जाए, मजा आ जाएगा। जलेबा है गाइस, बहुत ही खास्ता है, मीठापन बहुत ज्यादा नहीं है, टेस्ट में बहुत ही बढ़िया है, मजा आ गया खा के। तो जेनको स्वीट्स में आए जो कि जेल रोड में है और यहाँ पे आके नाश्ता करें, बहुत किफायत दाम में बहुत बढ़िया नाश्ता आपको मिलेगा। आरा से बाहर के भी लोग अगर आते हैं तो यहाँ पर आके आप नाश्ता कर सकते हैं सुबह सुबह किसी काम से अगर आते हैं, और आरा के लोग भी कभी उनका मन करता है कि घर से बाहर का नाश्ता करने का, तो यहाँ पर आकर आराम से आके खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बढ़िया नहीं है, कोई बहुत ही बढ़िया है। और सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है, सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है, तेल
बहुत पुराना यूज़ नहीं किया जाता है, सफाई है, सब कुछ है। सो गाइस, हम लोग का नाश्ता पूरा हो चुका है, कचौड़ी और जलेबी, खास्ता कचौड़ी, सब तरह का नाश्ता हम लोग का पूरा हो चुका है। तो हाथ वाथ हम लोग ने धो लिया, फाइनलाइज हो गए हम लोग, और अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ का जायका, गाजर का हलवा का जायका लेंगे, जो कि सबसे बढ़िया यहाँ माना जाता है जेनको स्वीट जेल रोड में, गाजर का हलवा। और इसका प्राइस भी आपको बताएंगे, कैसे किलो है गाजर का हलवा? 340 रुपये किलो है। पूरा पूरा दूध और खोआ में बनाया गया है गाजर का हलवा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है, और ड्राई फ्रूट्स का भी अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही बढ़िया। तो ये था हम लोग का जेनको स्वीट्स का ब्लॉग, और इनके ओनर ने हम लोग को बुलाया, बहुत बढ़िया से खिलाया पिलाया, बहुत खुशी हुई यहाँ आके। और आप भी यहाँ पे आएँ और जेनको स्वीट्स में अपना योगदान दें, और योगदान का मतलब कुछ खाए पिए यहाँ पर, कुछ भी नमकीन खरीद सकते हैं, मिठाई खरीद सकते हैं, कचौड़ी जलेबी खा सकते हैं, खास्ता कचौड़ी खा सकते हैं, गाजर का हलवा खा सकते हैं, और कई तरह की वैरायटी और मिठाई भी है, और 12 बजे समोसा भी निकल जाता है गाइस, और समोसा भी यहाँ पे खासा समोसा भी खरीद सकते हैं। तो इसी के साथ अभी हम आप लोगों को एक बार ओनर जी से थोड़ा और बात करा देंगे, वो कुछ आप लोगों को कहना चाहते हैं, और फिर आपसे रूबरू होंगे दूसरे वीडियो में। तो सर, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, यहाँ के ओनर हैं ये, तो और आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में वीडियो के? जो यही कहना चाहेंगे, आपको कैसा लगा यहाँ का खा के नाश्ता? नाश्ता किया आपने, कैसा लगा? खास्ता कचौड़ी है, दिन में समोसा है, ये सब है, कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा, और कम तेल कम मसाला में बनाया गया है, ऐसा लग रहा है कि अपने घर में जो कार्य प्रयोजन का जो खाना होता है वैसा लग रहा है। तो मतलब मैं लोगों को ये रिकमेंड किया हूँ वीडियो में भी कि आप लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ का नाश्ता करें, यहाँ का मिठाई खाएँ, और काफ़ी बढ़िया है। बस अमन फूड डिश का ये मैं शुक्रिया करूँगा कि मेरे शॉप पर आए, सबको पसंद आई, और इससे बड़ी हमारी कोई बात नहीं, सेवा का मुझे मौका दें। अमन द फूड चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अमन चैनल भी बहुत बढ़िया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करते रहें। धन्यवाद भैया। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अमन द फूडी चैनल पर जेनको स्वीट्स, जो कि जेल रोड पर स्थित है, हमने कचौड़ी, जलेबी, खास्ता गाजर, खास्ता कचौड़ी, गाजर का हलवा, बहुत कुछ खाया, और बहुत ही सुबह सुबह का समय, ठंड का मौसम, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया लगा। और वीडियो को अंत तक देखें गाइस, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, आपका फेवरेट चैनल अमन द फूडी। और इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करते हैं, नए जगह पर जल्दी मुलाकात होगी, नए रेसिपी के साथ, नए फूड के साथ, और इसी के साथ अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचे रहें। बाय बाय, टेक केयर गाइस।